Good morning everyone, welcome to my channel DSN Vlogs Australia. सबसे पहले तो आज काफ़ी टाइम के बाद वीडियो जो है मैं वो पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था और मैं थोड़ा सा ये भी कंफ्यूज था कि यार ऐसा क्या कंटेंट मुझे लेकर आना चाहिए कि मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव भी हो और एंटरटेनिंग भी हो और बहुत सारे लोग जो हैं व्यूअर्स हैं मेरे वो मेरी वीडियोस को पसंद करें। तो उन सब चीज़ों की कोशिश में भी लगा हुआ था और थोड़ा सा जो जॉब है वो भी अभी नया स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से टाइम जो है वो थोड़ा कम मिल पाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एवरी वीक कम से कम एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। और मैं अपनी इस चैनल पर थोड़ी सी कुकिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ताकि मैं अपने कुकिंग शो भी आपके लिए जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हम घर में बना सकते हैं, इजीली अवेलेबल होती हैं किचन के अंदर, वो सब चीज़ों के से हम बहुत सारी डिशेस जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। वो सब चीज़ें मैं अपने इस वीडियो के ज़रिए भी आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ यहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया के जो वीज़ा रूल्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जॉब्स के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। अगर मैं आज वेदर की बात करूं, कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी यहाँ पर एंड जो आज है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है। तो आपको पहले मैं बाहर का वेदर दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। सो आज मेरा डे ऑफ है, तो मुझे लगा कि अपने वर्क कलीग के लिए मुझे कुछ प्रिपेयर करना चाहिए। तो चलिए हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं और आज की एक डिश मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियोस आने वाली हैं सिर्फ DSN Vlogs ऑस्ट्रेलिया पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 3, 2, 1, लेट्स गो। आज की जो डिश है वो बहुत ईजी एक डिश है, जिसके लिए मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स लेकर आया हूँ। कैप्सिकम है, वो है कॉकटेल स्क्यूअर्स हैं, इसके अंदर हम डालेंगे। और ये है अपनी सोया सॉस एंड दिस इज़ माय केचप सॉस। सो इन सब चीज़ों से एक डिश आज रेडी होने वाली है। टर्न ऑन द गैस। पोच रख लिया है। आज की अगर टिप की बात करें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए नीचे पनीर बनाने के लिए, ताकि जो पोट है आपका वो बर्न नहीं होगा। चलो जी, तोड़ दो।
ये हो गया पनीर शाशलिक का पनीर रेडी, इसे बोलते हैं पनीर शाशलिक की डिश। तो इसके अंदर आप रेड कैप्सिकम भी लगा सकते हो, ग्रीन भी लगा सकते हो, अनियन भी लगा सकते हो, दो लेयर भी लगा सकते हो। मैंने सिर्फ एक लेयर लगाई है, थोड़ा जल्दी में किया है। आज का जो स्नैक्स था वो बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपके लिए बनाया था ताकि आप उसे अच्छे से बना सकें। और ये सब चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं ताकि आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करके उसे बना सकते हैं। और दूसरा मैं ये बोलूँगा कि यार मैंने जो है वो सॉस ऐड नहीं की क्योंकि मुझे वो कल सुबह सर्व करना है, तो आप उसे जब भी सर्व करें आप उस सॉस को उसके साथ ऐड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी DSN व्लॉग्स ऑस्ट्रेलिया पर। आखिर में वही मेरी पंच लाइन, हंसते रहें साथ ही रहें क्योंकि आपकी स्माइल से बदल सकता है किसी का दिन। गुड बाय।